हेलो फ्रेंड्स, माय नेम नितीश एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आवर इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर हम बेसिक प्लस ट्रिक दोनों का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमारा बेसिक का यूज होगा वहाँ पर हम बेसिक का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारा ट्रिक का यूज होगा वहाँ पर हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर आयु वाला ले रखा है। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि रामा और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 57 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 3 वर्ष बाद रामा की आयु क्या होगी। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2-3 तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 57 वर्ष ये आयु कब होगा, 6 वर्ष बाद होगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर इसे अगर लाना है तो 12 वर्ष इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि 12 वर्ष क्यों करेंगे, यहाँ पर तो माइनस करने के लिए 6 करना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष बाद कहा जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप समझना कि ये जो 6 वर्ष है, अगर 6 वर्ष बाद कह रहा है तो 6 वर्ष तो दोनों का आयु इसमें ऐड है, रामा और उसके पिता का आयु, तो यहाँ पर हम दोनों का आयु यहाँ पर माइनस करेंगे। सो 57 वर्ष हमारा कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद आयु होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 12 वर्ष माइनस कर देंगे। 12 वर्ष जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 आपके पास बचेगा। तो ये हमारा जो आयु है क्या आ गया, वर्तमान में आ गया, और वर्तमान का यहाँ पर अनुपात आपको दे रखा है कितना, 2:7 के अनुपात में दे रखा है। अब हमसे कहा जा रहा है किसका आयु, रामा का आयु, तो रामा का अनुपात यहाँ पर कितना है, तो 2 है। तो क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे ऊपर और इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, हम रखेंगे नीचे, यानी कि 2 और 7 9, 9 से जाएगा ये 5 बार में, 5 × 10। अब हमें ये पता चल गया कि जो रामा का वर्तमान में आयु है वह कितना है, 10 वर्ष है। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने वर्ष बाद आयु, तो 3 वर्ष बाद का जो है आयु पूछा जा रहा है किसका, रामा का। तो इसमें हम प्लस 3 कर देते हैं, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी कि रामा का आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये एक और तरीका था, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको हर तरीका यहाँ पर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि रामा और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2 और 7 के अनुपात में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 2x और यहाँ पर हम कर देते हैं 7x। फिर कहता है कि 6 वर्ष बाद उनका आयु का जो योगफल है कितना हो जाएगा, 57 वर्ष हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे और 6 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, 57 वर्ष हो जाएगा। तो बात तो घुमा फिरा के वही हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 6 और 6 क्या होगा, 12, तो 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 7 और 2 9, तो 9 से जाएगा ये 5 बार में, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया तो हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, 2x और 7x यहाँ पे आयु मान रखा है। तो 5 से यहाँ गुना करेंगे तो 5 × 10 और 7×5 35। तो हमसे पूछा जा रहा था किसका आयु, रामा की आयु, यानी रामा की आयु, तो इसमें हम प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो आप जैसे चाहें उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी तरीका है मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि धारा के विपरीत व धारा की दिशा में रमेश का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में रमेश की चाल क्या होगी। अब तक आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन हमने बेसिक से करा रखा है। सो यहाँ पर अगर हम इसे एक लाइन में अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पर करेंगे 12 + 18 और y2, तो 18 और 2 20 और 10 30 / 2, तो आंसर आ जाएगा कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में आया भी होगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किनको किनको समझ में नहीं आया, फटाक से कमेंट कीजिए और लिखिए वहाँ पे कि सर समझ में नहीं आया। अब मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे ये 12 + 18 हुआ ये आप जानिए। तो मैंने कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे एग्ज़ाम में या कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हो नाव और धारा वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि नाव का जो चाल होगा हमारा x होगा और धारा का चाल हमारा क्या होगा, y होगा। इतना आपको सबसे पहले मन में याद रखना है। फिर आपको एक बात और हमने बोला था याद रखने के लिए कि अगर अनुकूल में चाल कहे धारा के साथ तो चाल हमारा आपस में प्लस हो जाता है, अगर प्रतिकूल कहे
तो चाल आपस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि धारा के विपरीत और धारा के दिशा में दोनों का जो चाल क्या है, 12 किलोमीटर बराबर है और 18 किलोमीटर बराबर है। ठीक है, तो स्थिर जल में रमेश का जो है चाल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में बाद वाला होगा तो 18, और धारा के विपरीत प्रतिकूल, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। अब ये बाई से बाई कैंसिल हो गया। हमसे यहाँ पर पहले पूछा जा रहा था क्या, पहले वो मैं देख लेता हूँ। स्थिर जल में रमेश की चाल यानी नाव की चाल, जब नाव है तो यहाँ पर रमेश भी हो सकता है, क्योंकि नाव जब पानी में चलेगा तो रमेश ही पानी में चलेगा, तो हमें क्या निकालना है, रमेश का चाल यानी नाव का चाल। तो यहाँ पर वाई वाई हम माइनस कर देते हैं, तो ये एक्स और एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और इधर 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, दो से जाएगा ये कितने बार में, 15 बार में, तो x बराबर 15 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक, हमने वहाँ पर 18 प्लस 12 वाई 2 इसीलिए किया था। ठीक है, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, अगर बेसिक अगर आपको मालूम होता है तो क्वेश्चन को जैसे भी आप चाहें उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे साथ अगर रहें लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैं आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं और ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। और फटाक से कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया, जो लोग को पहले जिसको समझ में नहीं आ रहा था वो लोग कमेंट करेंगे कि सर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि 440 मीटर लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी पुलिया को 22 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पहले समझिए उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। ये हमारा ट्रेन है, मैं ट्रेन यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा पुलिया है। ठीक है, ये हमारा पुल है। अब देखिए कह रहा है कि जो ट्रेन है कितना मीटर लंबा है, 440 मीटर लंबा है, और ये जो हमारा पुल है कितना मीटर लंबा है, 110 मीटर लंबा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला में आता है कि एक खंभे को एक रेलगाड़ी पार करता है तो इतना सेकंड लगता है, तो जब एक खंभे को पार करेगा तो खंभा का कोई भी लेंथ नहीं होता है, जब लेंथ नहीं होता है तो ये जो ट्रेन है ये खुद का लंबाई पार करता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक पुल को पार कर रहा है, जब पुल को पार करेगा तो आप ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन पुल को पार करने वाला रहे तो आपको क्या करना है कि दोनों का जो लंबाई आपस में प्लस कर देना है। तो देखिए 440 मीटर है आपका किसका लंबाई, ट्रेन का, और 110 मीटर है आपका किसका लंबाई, पुलिया का, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब ये देखिए पार कितने सेकंड में कर रहा है, 22 सेकंड में ये पार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे अगर हम 10 देते हैं तो हो जाएगा 550, और ये हो जाएगा आपका 650, और इसको 22 से हमें डिवाइड करना होगा। हमने ठीक किया ना, 450, सॉरी देखिए 550 होगा, हमने 650 कर दिया, यहाँ पे 550 होगा और यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो चाल हमारा है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 18/5 से यहाँ पर गुना करना होगा। जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 से गुना करते हैं, जब हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो देखिए ये 11 से जाएगा ये 5 बार में, 11 से जाएगा ये 2 बार में, 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब 18 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्लस करने में मिस्टेक हो गया था, सो इसके लिए सॉरी मैं बोलना चाहूँगा, अदरवाइज मैंने आपको जो सोल्यूशन बताया है वो परफेक्ट है। अगर इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई डाउट मन में हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ लोग अगर सॉल्व करेंगे तो फंस सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए, उसके बाद फिर से हमारा सोल्यूशन देखिए मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर बेसिक से सॉल्व कर देंगे बट इसमें जो लैंग्वेज दिया गया है वो थोड़ा सा फंसाने वाला लैंग्वेज दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि एक धनराशि प्राप्त, यहाँ पर ध्यान देना, प्राप्त साधारण ब्याज
5% वार्षिक दर से 24 वर्षों में उस धनराशि से 960 रुपया अधिक है तो वह राशि क्या होगा। ठीक है, वह धनराशि या राशि क्या होगा। तो यहाँ पर देखना, ये जो प्राप्त साधारण ब्याज कह रहा है, प्राप्त साधारण ब्याज वह जो राशि है, जितना भी राशि है उससे कितना अधिक है, 960 रुपया अधिक है। अब कुछ लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि ये जो 960 रुपया यही हमारा साधारण ब्याज है, बट ये साधारण ब्याज नहीं है। साधारण ब्याज क्या होगा, वो राशि जो राशि है उससे 960 रुपया अधिक है साधारण ब्याज हमारा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मानना होगा कि जो हमारा राशि है कितना है, पी मान लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आपका हो जाएगा पी प्लस 960। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 और बट्टे में आपका हो जाएगा दर गुने समय। तो देखिए ब्याज हमारा कितना है, पी प्लस 960 और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, गुने सौ और अपन आपका हो जाएगा दर गुने समय। तो दर आपका कितना है, 5% है तो 5 और गुने में आपका 24 और बराबर में हम क्या निकाल रहे हैं, तो पी निकाल रहे हैं, बराबर में आपका पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 को 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 को हम क्या करेंगे, पी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120p। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120p और बराबर में देखिए ये जो 100 है ये पी से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100p। और प्लस में देखिए 960 तो है ही, इसमें 20 और दे देते हैं हम। अब देखिए ये जो 100p है आप इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20p और बराबर में आपका हो जाएगा ये कितना, 9600। हमने यहाँ पे गुना सही से किया, चलिए सब परफेक्ट है। अब ये देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा और 2 से जाएगा ये कितने बार में, 48 बार में, यानी कि वह राशि कितना था, 4800 राशि था, 4800। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3, 4800। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है साधारण ब्याज 960 रुपये, इसी को मान के आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे, बट यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा फंसाया हुआ था। आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हमसे होता है बीच बीच में, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, बट जो मेरा सोल्यूशन रहता है 100% सटीक रहता है, आप सभी को समझ में आने वाला मैं सोल्यूशन बताता हूँ, ये नहीं कि ऐसा सोल्यूशन बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए ही ना। सो अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया है वो कितना आपको समझ में आया, और अगला जो टॉपिक है वो किस पे होना चाहिए। और अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, बस हम आपसे एक लाइक ही मांगते हैं, ना ही आपसे कोई चार्ज कर रहे हैं, नहीं और कुछ, सिर्फ आपसे लाइक्स मांगते हैं, बस जितना से ज़्यादा ज़्यादा हो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।